लेक्चरर डॉक्टर जितेंद्र को सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी कार्रवाई यहां पर एएमयू प्रशासन की। डॉक्टर जितेंद्र कुमार पर कार्रवाई की गई है, सस्पेंड कर दिया गया है डॉक्टर जितेंद्र कुमार को। हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी का मामला है लेक्चर के दौरान। आज ही लेक्चरर डॉक्टर जितेंद्र ने माफी मांगी थी, बिना शर्त माफी मांगी थी, पत्र लिखकर लिखित रूप में माफी मांगी थी, और उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। सीरियस ऑफेंस माना गया, सस्पेंड कर दिया गया है। हमारे साथ अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम साहब जुड़ गए हैं। सतीश गौतम जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। सांसद महोदय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आ रही है आवाज, आ रही। बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। थैंक यू सर, नमस्कार। सतीश जी, अभी हम खबर भी बता रहे हैं दर्शकों को कि एबीपी प्रशासन ने सस्पेंड कर दिया है डॉक्टर जितेंद्र कुमार को। उन्होंने आज सुबह लिखकर बिना शर्त माफी भी मांगी है, तो अभी कुछ और भी कार्रवाई का दबाव बना सकते हैं आप लोग? देखिए, सस्पेंड के लिए डीसी साहब से मेरी बात हुई थी, तायर मंजूर साहब से जी। जैसे इन्होंने ये इस तरह का टिप्पणी आई इनकी देखा और इस तरह का बच्चों को शिक्षा देने का काम किया, उन्हें तत्काल मैंने कार्रवाई के कहा। उन्होंने पहले तो सो को लेटर दिया, फिर उसका जवाब आया। मैंने डीसी साहब से कहा कि इसे सस्पेंड करिए, सस्पेंड कर दिया। और भी कठोर कार्रवाई होगी, क्योंकि इस तरह का केंद्र शासित किसी भी यूनिवर्सिटी में इस तरह का बच्चों को शिक्षा देना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले तो इसका मेंटेलिटी चेक कराया जाएगा कि ये अपने कहीं साइकोलॉजी फिट है या नहीं है, कि माइंड इनका डिस्टर्ब है, क्योंकि प्रोफेसर होके इस तरह का शिक्षा प्राप्त देना बच्चों को ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसलिए भी इस बात को समझा जाना चाहिए, इसको खंगाला जाना चाहिए, क्योंकि वो मेडिकल की क्लास ले रहे थे और मेडिकल साइंस की क्लास में इस बात का रेफरेंस लेना कि हिंदू देवी देवता क्या कर रहे थे, इसका कोई तुक समझ में नहीं आता है प्राइमा फेसी। तो एक और चीज है, मेरा ये एक कारण क्या है, आप ऐसे पाठशाला पढ़ा रहे हैं, ऐसा वो ले रहे हैं चैप्टर जिसका कोई लेना देना है मेडिकल की पढ़ाई में, उसका कोई कहीं लेना देना नहीं। और दूसरी बात, इतनी हिंदू समाज के देवी देवताओं का आस्था जुड़ी हुई है जी, और आप इस तरह का बयान दे रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहीं ना कहीं से मानसिक रूप से परेशान हैं, बीमार हैं मानसिक रूप से जी। तो सांसद महोदय, उम्मीद की जाए कि अभी और कठोर कार्रवाई होगी इन पर? कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। जीवन में कोई भी प्रोफेसर इस तरह का बयान नहीं देगा। क्या कोई FIR या कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी हो सकती है? आपको कल तक सब पता लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सतीश गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम अभी हमसे बात कर रहे थे, वो कह रहे थे और ज्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी, और कल तक उन्होंने कहा कि सब कुछ सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि मानसिक रूप से बीमार जान पड़ते हैं ये श्रीमान, और इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए और इसकी भी वो मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि सुबह ही उन्होंने इस बात के लिए VC से बात की अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की, और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। अब प्रदीप हमारे संवाददाता अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, जो सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है इसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। पूरा का पूरा देखिए मामला जिस तरीके से कल से इसे रंग लिया है, जिस प्रोफेसर ने फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ने MBBS क्लास में एक चैप्टर को पढ़ाया, बाकी तो स्लाइड शो करके दिखाई उसने, उसके बाद से जिस हिंदुवादी नेता थे, बीजेपी के लोग थे, उनका लगातार उत्तर प्रदेश सरकार को ट्वीट जा रहा था, यूपी पुलिस को ट्वीट जा रहा था कि ऐसे जो प्रोफेसर है जिसको खिलाफ कार्रवाई की जाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए जो मेडिकल के प्रिंसिपल है, जो सुप्रिंटेंडेंट है और जो संबंधित विभाग के लोग हैं, उनको तुरंत अलग किया और एक हाई लेवल मीटिंग की गई एमयू के अंदर। उसमें जो प्रोफेसर है जिनके ऊपर आरोप है उनको सोकॉल्ड नोटिस जारी किया गया और उन्होंने बिना शर्त माफी भी मांगी है इस पर पूरे मामले पर। उसके बाद लगातार प्रेशर पर खड़े उनको अभी तत्काल निलंबित भी कर दिया है जी। क्या सांसद महोदय अभी हमसे बात कर रहे थे प्रदीप, और संकेत कर रहे थे कि और सख्त कार्रवाई आगे हो सकती है, आपको क्या संकेत मिल रहा है, क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं इस बारे में? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की, हो सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर इस तरह दबाव हो, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो इनके खिलाफ उसका मुकदमा भी दर्ज किया गया पूरे मामले पर जी। तो क्या कोई FIR या कोई तहरीर दी गई है किसी थाने में इस बाबत प्रदीप? अभी तक कुछ हिंदुवादी लोग संगठन के लोग तहरीर लिखकर थाने में दी है, उसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज नहीं किया मामले पर। बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप।